हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। माय नेम इज शिवांगी गौतम एंड इन दिस सीरीज जहां पे मैं डिस्कस कर रही हूँ ऑल द इम्पोर्टेंट एक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ द एनवायरनमेंट टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सकते हैं, उन सारे पूरे एरियाज में इस पूरी सीरीज में आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट ऑफ 2006। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी किस रीजन की वजह से इस एक्ट को लेकर आए, क्या क्या इसके प्रोमिनेंट फीचर्स हैं और किस तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बिफोर आई बिगिन द सेशन लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू अबाउट द कॉम्बो ऑफर दैट वी आर प्रोवाइडिंग हियर एट अनअकैडमी। हम लोगों ने लेटेस्ट अभी लॉन्च करा है यूपीएससी सीएससी का ऑप्शनल कोर्सेज, कुछ 20 से 22 सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे लॉन्च करे हैं। कौन से सब्जेक्ट्स हैं आप एक बार जाके अनअकैडमी के वेबसाइट पे ऐप पर देख सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स लेते हैं ऑप्शनल का, उसके साथ या तो आप आइकॉनिक का जीएस ले सकते हैं या फिर प्लस कोर्स ले सकते हैं जीएस का। ऑल ऑफ दीज कोर्सेज आर अवेलेबल एट अनअकैडमीज ऐप। 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, कितने मंथ का भी कोर्स लेंगे आपका जो डिस्काउंट होगा वो उस पर वेरी करेगा। द कोड रिमेन्स द सेम SHIVIS फॉर एन इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ वेरियस परसेंटेजेस इन द कॉम्बो ऑफर। नाउ कमिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, वॉट इज दिस एक्ट, इस एक्ट का रीजन क्या है, किस रीजन की वजह से इसको लेकर आया गया। एज वी ऑल नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनिशियली इवन बिफोर इंडिपेंडेंस कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे भी और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी ट्राइबल रिलेशन जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ट्राइबल रिलेशन से मेरा क्या मतलब है, ट्राइबल्स का जो रिलेशन होता था फॉरेस्ट के साथ, जितना ज्यादा ट्राइबल डिपेंड करते थे फॉरेस्ट पे उतना ज्यादा आई डू नॉट थिंक कोई भी ऐसा सेक्ट है सोसाइटी का जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। जो ट्राइबल्स हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, इवन फॉर बेसिक लाइवलीहुड दे हैव बीन कंटिन्यूअसली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ वेरियस सेंचुरीज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे जैसे ये पॉपुलेशन एक्सोडस हुआ, जैसे जैसे हम लोगों ने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को फोकस करना लगा, हमने सोचा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हम वो करेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज जो एंसेस्ट्रल राइट्स थे जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं वो सब नॉन रिकग्नाइज होने लगे। साथ ही साथ में ये जितने भी ट्राइबल एरियाज थे या ट्राइब लोग थे वो अपने हैबिटेट से, नेचुरल हैबिटेट से होने लगे डिस्प्लेस। क्यों? क्योंकि अब आने लगे थे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। हमको जरूरत थी नॉन फॉरेस्ट लैंड की जहां पे हम लोग अपनी बढ़ती हुई आबादी को बसा सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज को बना सकते हैं टू रेक्टिफाई ऑल दीज इशूज, ताकि जो ट्राइबल्स का खाना है, उनका शेल्टर है वो उनको मिला रहे, ताकि उनके जो एंसेस्ट्रल राइट्स है वो प्रोटेक्टेड रहे और साथ ही साथ में जो उनका लाइवलीहुड का सोर्स है ये फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये वैसा का वैसा मेंटेन रहे। इसीलिए गवर्नमेंट लेकर आई 2006 में द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। ठीक है, इस एक्ट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, किस तरीके से एम्पावर कर सकते हैं और स्ट्रेंथन कर सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस को, यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस में जहाँ पे जो पंचायत होती हैं विलेज लेवल पे किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, किस तरीके से ट्राइबल एरियाज में स्पेशली फॉरेस्ट और फॉरेस्ट एरियाज में ट्राइबल्स के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगी, पहला चीज। दूसरी चीज थी इन लोगों की लाइवलीहुड का इशू एड्रेस करना, उनकी सिक्योरिटी की लाइवलीहुड इनकी सिक्योर रहे, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इनको देना। ठीक है, किस तरीके से इनकी पॉवर्टी या गरीबी को कम किया जा सकता है या इवेंचुअली मिटाया जा सकता है उस पर वर्क करना, प्रो पुअर प्रोग्राम से आप बोल सकते हो, प्रो पुअर ग्रोथ स्ट्रैटेजीज देना और इंश्योर करना कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में ये लोग हिस्सेदार हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट होता है नेचुरल रिसोर्सेज का उसको इशू एड्रेस करना और इंश्योर करना कि हम लोग गवर्नेंस ऑफ इंडिया को कंजर्व कर पाए। यहाँ पे अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम किस पार्टिसिपेटरी मेजर में किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं थ्रू दिस पार्टिसिपेटरी टेक्निक्स दैट द ट्राइबल राइट्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड। ये ट्राइबल लोग फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में हेल्प भी कर रहे हैं और इन व्यू ऑफ दिस दे आर बीइंग गेटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी और सिक्योरिटी सो दैट इनके पास कोई ना कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हो और ये लोग अपना जो आप बोल सकते हैं घर चला सके, पेट पाल सके। ठीक है, इसके अलावा मूविंग अहेड अगर हम फीचर्स की बात करें इस एक्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट की फीचर्स क्या क्या है, कौन से मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं जिसको लेकर गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाई। पहला जो एक्ट आता है या पहला जो फीचर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये एक्ट ना ही सिर्फ रिकॉग्नाइज करती है उस राइट को जिसके तहत ये लोग फॉरेस्ट में रह सकते हैं या कुछ लैंड होल्ड कर सकते हैं फॉरेस्ट में अंडर इंडिविजुअल और कॉमन ऑक्यूपेशन फॉर हैबिटेशन,
सेल्फ कल्टीवेशन के लिए लाइवलीहुड, बट इसके अलावा भी इनको बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेस के कंट्रोल पे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उस पर. ठीक है, कौन से ऐसे राइट हैं? राइट ऑफ ओनरशिप, यानी जितना भी टिम्बर होगा, जितना भी जो छोटा मोटा फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उन सबको ये यूज कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं. ओनरशिप और राइट टू कलेक्ट इनको मिलता है इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, या छोटा छोटा जो भी फॉर्डर इन फॉरेस्ट से मिलता है, उन सारी चीजों को ये लोग यूज कर सकते हैं. कम्युनिटी राइट्स होंगे कि एज अ कम्युनिटी, ये पूरी पूरी कम्युनिटी हो गई, ये कैसे फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, जो भी ट्रेडिशनल एंसेस्ट्रल प्रैक्टिसेस इनकी अभी तक आ रही थी वो ताकि मेंटेन रहे. ठीक है, इसके अलावा जो हैबिटेट राइट्स हैं प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, वो इंश्योर करते हैं कि इनकी जो भी प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज थी, जिस तरीके से अभी तक वर्क करती आ रही थी, भले ही वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी या अलग अलग तरीके के जो एस्पेक्ट्स या फोकस करते थे लोग कल्टीवेशन के लिए, उसको किस तरीके से एनहांस कर सकती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इनको राइट दिया गया रीजनरेशन का, प्रोटेक्शन का और कंजर्वेशन का, किस तरीके से ये लोग कंजर्व कर सकते हैं सस्टेनेबल यूज के लिए इन सारे फॉरेस्ट को. इस एक्ट के अंडर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स आते हैं स्पेशली, अब उनको क्या क्या राइट्स दिए गए. फॉरेस्ट ड्वेलर्स कौन होते हैं? वो राहगीर आप बोल सकते हो, जो कि फॉरेस्ट में घूमते हैं कंटिन्यूअसली. तो ये जो राहगीर होंगे इनको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको हम क्या क्या राइट्स दे रहे हैं. पहला आता है लैंड राइट. तो अब लैंड राइट किस तरीके से दिया जाएगा, इन लोगों को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की जरूरत नहीं है अगर ये लोग 4 हेक्टेयर तक अपनी लैंड को कल्टीवेट करते हैं अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. बियॉन्ड 4 हेक्टेयर इनको पर्सनल प्रूफ देना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले अगर अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, बेसिक अमेनिटीज को पूरा करने के लिए, इन लोगों को कोई भी आप बोल सकते हो प्रूफ की जरूरत नहीं होगी 4 हेक्टेयर तक का लैंड ओन करने के लिए. ठीक है, दूसरा जो इनको राइट दिया गया है, दैट इज द यूसेज राइट. यूसेज राइट किस पार्ट में दिया गया है इन लोगों को, कि ये लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो माइनर होता है जैसे तेंदू पत्ता, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स, उन सबको यूज कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, दे कैन ग्रेज द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के आसपास का ग्रेजिंग ग्राउंड है उसको अपने कैटल के लिए यूज कर सकते हैं, और वाटर बॉडीज को यूज कर सकते हैं नहाने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए. ठीक, उसके अलावा जो ट्रेडिशनल एरियाज यूज होते हैं नोमैडिक्स के थ्रू, पास्टर्स के थ्रू, पास्टोरल कम्युनिटीज जिसको बोलती है, उन सारे एरियाज में ये लोग अपने कैटल्स को ग्रेस करवा सकते हैं, हर्ब्स में मूव हो सकते हैं. देन कम्स द राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व. इसके तहत फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इन कम्युनिटीज को एक राइट दिया गया है कि आप भी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कीजिए, फॉरेस्ट को मैनेज कीजिए, और इंश्योर कीजिए आप जो फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं. देन कम्स द आर्बिट्री डिसलोकेशन, कि नेशनल पार्क्स में और बाकी के प्रोटेक्टेड एरियाज में किस तरीके से फॉरेस्ट ड्वेलर्स को डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता जब तक आप सर्टन कंडीशंस फुलफिल नहीं कर देते. जैसे कि आप इनको एक हैबिटेट नहीं देते, यू नो यू डू नॉट गिव देम अ प्रॉपर प्लेस टू लिव, तब तक आप इनको फॉरेस्ट से निकाल नहीं सकते, आप इनको एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं देते, आप इनको खाने का, रहने का, फूड एंड शेल्टर, ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करते, तब तक आप इन लोगों को फॉरेस्ट से नहीं निकाल सकते हैं. ठीक है, अगर हम चैलेंजेस की बात करें इस एक्ट में, कौन से चैलेंजेस हैं जो देखने को मिले हैं. पहला, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, बिकॉज दीज पीपल आर इलिटरेट, बिकॉज दे आर वेरी पुअर, बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द राइट्स, टू अ लॉट ऑफ यू नो let's say to a lot of judicial services etc. इनको पता नहीं होता इनके rights क्या हैं, awareness किस तरीके से होनी चाहिए, सरकार ने इनके लिए क्या क्या चीजें बनाई हैं. second part आता है कि जो forest officials हैं, government agents हैं, money lenders हैं, landlords हैं, इस awareness का, इस illiteracy और पावर्टी का फायदा उठाते हैं और इन लोगों को बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं. फिर जो FRA है, जो फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट होती है, इन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर लेजिस्लेशन. सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि फॉरेस्ट के जो भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं या फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट्स होती हैं, वो सब कंटिन्यूअसली लड़ाइयां करवाती रहती हैं या अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट में आती रहती हैं हमेशा, क्योंकि सबका लेजिस्लेशन अलग होता है, बहुत सारे लूप होल्स होते हैं ग्राउंड लेवल पे. ठीक है, अगर हम बात करें ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल की, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रोविजन जो था पंचायत एक्ट 1996 का, वो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के कॉन्फ्लिक्ट में आ गया या एकदम आपस में उनका 36 का आंकड़ा हो गया. फिर अगर हम लिमिटेशन की बात करें ट्राइबल मिनिस्ट्री के, अनदर इंपॉर्टेंट फैसेट कम्स इन द फॉर्म ऑफ चैलेंजेस, कि ट्राइबल मिनिस्ट्री की लिमिटेशंस क्या क्या है. पहला चीज, उनके पास एलिजिबल स्टाफ नहीं है, उनके पास ऐसा स्टाफ नहीं है जो कि वेल अवेयर हो, वेल ट्रेन्ड हो, जिसको फॉरेस्ट रिजर्व्स के, फॉरेस्ट राइट एक्ट के
जो भी प्रोविजन है वो ही नहीं पता, ठीक है। सेकंड थिंग आती है, रिजेक्ट कर देते हैं ये लोग क्लेम बहुत सारे लोगों का, क्योंकि ये लोग प्रॉपर इंक्वायरीज नहीं बिठाते। फिर विजिलेंस कमेटी की हमको जरूरत है, जिसमें इलेक्टेड ऑफिशियल्स होने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और ये कमेटी अभी भी इनएक्टिव है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम फॉरेस्ट राइट्स की बात करें, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है वो क्या क्या रिकोगनाइज करती है, किन किन चीजों पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सो वन अमंग्स द फॉलोइंग वुड बी कम्युनिटी राइट्स, जो हम कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरीके से कम्युनिटीज को राइट दिया गया है प्रॉपर्टी रिसोर्सेस पर उनके इंडिविजुअल राइट्स के साथ साथ। इसके अलावा इस राइट्स में डिस्प्यूटेड लैंड हो गई, राइट ऑफ सेटलमेंट, कन्वर्जन एटसेट्रा, ये सब कुछ रेवेन्यू और विलेजेस में आता है। देन कम्स द राइट टू प्रोटेक्ट एंड रीजनरेट और कंजर्व, जहां पे जितनी भी कम्युनिटीज हैं वो एक साथ ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट करेंगी और कंजर्व करेंगी या फिर सस्टेनेबली यूज करेंगी वो लोग फॉरेस्ट को। देन कम्स द राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, जहां पे बायोडायवर्सिटी और कल्चरल डायवर्सिटी पे वो लोग फोकस करेंगी। डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज का राइट और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का राइट भी इनको दिया हुआ है। आई होप आपको शेड्यूल कास्ट एंड जो शेड्यूल ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है 2006 का, वो समझ आया होगा, उसके ऑब्जेक्टिव, फीचर्स और चैलेंजेस समझ आए होंगे, किस रीजन की वजह से इस एक्ट को लेकर आया गया, क्या क्या प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, किस तरीके से ये इंडिया में एक्ट करती है, और जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको इंडिविजुअली और ऑन अ कम्युनिटी बेसिस कैसे बचाया जाता है, ठीक है। बिफोर आई वाइंड अप द सेशन, आई वुड लाइक टू क्विकली टेल यू अबाउट द आइकॉनिक प्राइज हाइक दैट इज कमिंग सून, और इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं अनअकैडमी के साथ। आप अपने पर्सनल कोच के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपना स्टडी प्लानर कस्टमाइज कर सकते हो, बूस्टर सेशंस अटेंड कर सकते हो, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स का पार्ट हो सकते हो विद द लाइक्स ऑफ शशि थरूर, सुनीता नारायण, किरण बेदी जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अपने मेंस की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, और अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस टेस्ट सीरीज आपको विद इवैल्यूएशन दी जाएगी। अगर आपने अनअकैडमी का प्लस कोर्स अभी तक लिया है तो प्लीज उसको आप अपग्रेड कीजिए आइकॉनिक पे, और अगर नहीं लिया है प्लस कोर्स देन एनरोल फॉर द प्लस कोर्स एज वेल, जिसके फायदे हैं कि आपको एक लाइव क्लास एनवायरमेंट मिलेगा, लाइव पोल और लीडर बोर्ड मिलेगा, लाइव डाउट रेजोल्यूशन मिलेगा, और लाइव इंटरेक्शन मिलता है फैकल्टी के साथ। तो अनअकैडमी का कोई भी कोर्स लें आप, प्लस या आइकॉनिक, आप 10% ऑफ पा सकते हैं इस कोड को यूज करके। यूज द कोड SHIVIAS एंड एंश्योर कि आपकी तैयारी यूपीएससी के लिए एकदम सॉलिडिफाइड है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे अहेड।